हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि आपको आफ्टर मार्केट अपनी कार में सीएनजी लगवाना चाहिए या फिर नहीं लगवाना चाहिए। बहुत सारे मिथ्स हैं आफ्टर मार्केट सीएनजी को लेकर के, और जानकारी के अभाव में बहुत सारे डर भी मन में रहते हैं, और इसके चक्कर में कई लोग सीएनजी नहीं लगवाते और कुछ लोग लगवा लेते हैं फिर बाद में पछताते हैं। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाने के क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, आपको लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप सीएनजी में ज़रा भी इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि अभी पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो लोग पेट्रोल गाड़ियों पे जा रहे हैं, उसमें आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवा रहे हैं, तो ये वीडियो आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। आज आपके सारे जो भी डाउट्स थे, जो भी आपकी क्वेरीज थी, वो क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो दोस्तों देखिए, दो तरीके का सिनेरियो हमारे सामने होता है। एक तो है कि भी हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमें गाड़ी लेना है। गाड़ी लेना है तो हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कंपनी फिटेड लेनी चाहिए या फिर लेकर के बाद में सीएनजी लगवाना चाहिए। तो इस केस में मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि आप कंपनी फिटेड अगर सीएनजी गाड़ी कोई आपको पसंद आती है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको पसंद भी आनी चाहिए, क्योंकि सीएनजी के साथ जो गाड़ियां आ रही हैं मार्केट में विद कंपनी लाइक फिटेड सीएनजी कार जो भी अवेलेबल है मार्केट में काफ़ी कम है, तो उनमें से अगर आपको कोई पसंद आ जाती है तो आप उनमें से कोई एक ले सकते हैं और बेस्ट च्वाइस होती है। उसका रीज़न ये है कि जो कंपनी फिटेड सीएनजी कार्स आती हैं उनकी फिटिंग काफ़ी प्रॉपरली की गई होती है, और उनके जो ईसीयू की ट्यूनिंग होती है काफ़ी अच्छी होती है। तो उससे क्या है, आपको पिकअप अच्छा मिलता है, माइलेज अच्छा मिलता है, और आपकी गाड़ी सेफ भी रहती है। ये दो तीन फायदे होते हैं कंपनी फिटेड सीएनजी कार लेने के। एक बहुत बड़ा फ़ायदा और होता है कि उसमें आपकी वारंटी वाइड नहीं होती है। आपकी वारंटी अगर आप बाहर से लगवाते हैं तो आपकी वारंटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आप कंपनी फिटेड सीएनजी कार लेते हो तो आपकी वारंटी वाइड नहीं होती है। तो कुछ फ़ायदे होते हैं कंपनी फिटेड सीएनजी कार्स के। तो अगर मेरा पहला सजेशन आपको यही है, अगर आप कार लेने वाले हो तो आप कोशिश करो कि किसी कंपनी फिटेड सीएनजी कार्स को ही आप चूज करो, अगर पसंद आती है तो, क्योंकि ऑप्शन बहुत कम है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे टाटा के भी कुछ कार्स आ रही हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद है, जैसे टियागो लोगों को पसंद है, पंच पसंद है, अल्ट्रोज पसंद है, नेक्सॉन पसंद है, या फिर हुंडई कुछ कार्स ऐसी आ रही है सीएनजी का ऑप्शन नहीं है, लोगों को पसंद है, जैसे आपका वेनी हो गया, क्रेटा हो गया, तो उस केस में फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको आफ्टर मार्केट ही लगवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको हुंडई की या फिर मारुति की जो इसमें सीएनजी ऑलरेडी आती है कंपनी से, अगर वो आपको गाड़ियाँ पसंद हैं, या फिर टाटा की टियागो भी आने वाली है, अगर आपको वो पसंद है आप कुछ टाइम वेट कर सकते हो। तो मेरा पहला सजेशन है कि आप कंपनी फिटेड सीएनजी कार पे ही जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब दूसरा सिनेरियो क्या है दोस्तों, कि जो कंपनी फिटेड सीएनजी कार्स आ रही हैं वो आपको पसंद ही नहीं है, उस केस में आप क्या चाहते हो कि आप गाड़ी खरीदो उसके बाद बाहर से आप उसमें सीएनजी लगवाओ। तो एक सिनेरियो हो गया, इसी से मिलता जुलता सिनेरियो हो गया कि आपके पास ऑलरेडी कार है, आप उसे कुछ टाइम से चला रहे हो सकता है 1.5-2-3 साल से आप उसको चला रहे हो, लेकिन पेट्रोल के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो आप उसमें सीएनजी लगवाना चाहते हो। लेकिन जब भी आप सीएनजी की बात करते हो तो मन में एक अजीब सा डर आ जाता है, आप अपने आसपास वाले लोगों से पूछते हो तो ज़्यादातर लोग आपको यही जवाब देंगे, भाई सीएनजी मत लगवा गाड़ी में, गाड़ी बर्बाद हो जाएगी, गाड़ी का इंजन बैठ जाएगा और सीएनजी सेफ नहीं होती है, फट जाएगी, सिलेंडर आप लेके चलेगा पीछे तो बॉम्ब लेके चलेगा गाड़ी में, मतलब तरह तरह की बातें की जाती हैं सीएनजी को लेकर के, काफ़ी डर बढ़ जाता है मन में। यूट्यूब पे आप सर्च करते हो जा करके कि सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट, तो वहाँ पे आपको 2-4-6 वीडियोस भी आ जाते हैं, तो आपके मन में प्रॉपर डर आ जाता है, आप सीएनजी लगवाने से कतराने लगते हो। अब देखिए दोस्तों, जो लोग कहते हैं वो कुछ हद तक चीज़ें सही भी हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं सही हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के लोग बताते हैं, इसकी वजह से आप डर जाते हो। जैसे अगर बात करें इंजन में फ़र्क पड़ता है तो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क पड़ता है, मैं आपको भी बाद में एक्सप्लेन करूँगा। सेफ्टी की बात जो लोग करते हैं कि गाड़ी के सिलेंडर ब्लास्ट हो जाते हैं, तो हाँ ब्लास्ट हो जाते हैं, कुछ केसेस में ऐसा हुआ सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि परसेंटेज कितना है। लाखों में से अगर कोई एकाध केस होता है तैयार हो तो हर जगह होता है, आप गाड़ी रोड पे चल रहे हो तो उसमें भी रिस्क है, अपने घर में आप रहते हो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, राइट, घर में आप गैस चूल्हे पर आप खाना बनाते हो भी सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है, तो रिस्क तो हर जगह है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी है तो उसके साथ में रिस्क भी
एसोसिएटेड होता है, लेकिन ये जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा रेयर हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है और आप इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। आप अपनी गाड़ी में सीएनजी नहीं लगवाओगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे जिस स्कूल बस में बैठ के अपने स्कूल जाते हैं वो सारे सीएनजी पे चल रही होती हैं, जिस ऑटो पे बैठ के हम इधर उधर कहीं जाते हैं सारे ऑटो सीएनजी पे चल रहे होते हैं। तो आजकल सीएनजी हर जगह है, तो आप इससे बच नहीं सकते। आपने गाड़ी नहीं लगवाओगे फिर भी आपको सीएनजी वाले व्हीकल्स पे तो कभी न कभी बैठना पड़ता ही है। तो डरने की कोई बात नहीं है, सीधी बात यह है कि सीएनजी जितना लोगों ने इसको हाइप कर रखा है कि सेफ़ नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं हर जगह होती हैं, तो सीएनजी की भी केस में होती हैं, बट ऐसे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीएनजी बहुत सेफ है, इतने सारे लाखों कैब्स चल रही हैं, इतने सारे लाखों लोग अपनी गाड़ियों में पर्सनल गाड़ियों में लगवा के सीएनजी चला रहे हैं, सारी बसें सीएनजी पे चल रही हैं, ट्रेन सीएनजी पे चल रही हैं, ट्रक्स डीसीएम सीएनजी पे चल रही हैं। तो सीएनजी सेफ आप सीएनजी लगवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, दोस्तों लोग बात करते हैं कि सीएनजी कार्स में बहुत ज़्यादा आग लग जाती है। तो कार लगने के दोस्तों बहुत सारे रीज़न होते हैं, ऐसा नहीं कि सीएनजी कार्स में आग लग जाती है सिर्फ। कार में आग लग सकती है, चाहे आपकी सीएनजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इलेक्ट्रिक हो, कोई भी कार हो, कार में आग लग सकती है। उस पर एक डिटेल में मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कार में आग किन किन कारणों से लगती है, ताकि आपको उसकी क्लियरिटी आ जाए। तो सीएनजी की वजह से लगती है, एक मिथ अपने माइंड से आप निकाल दीजिए, इस चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगले मिथ की दोस्तों बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो अगला मिथ लोग कहते हैं कि इसकी सीएनजी लगवाने से आपका इंजन बैठ जाता है, आपका पूरा ओवरऑल जो गाड़ी का इंजन है बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कई लोगों को देखा है कि जो अपने डीजल पेट्रोल कार को भी गंदे तरीके से चलाते हैं और 30-40-50 हज़ार में उनका इंजन जो होता है खुल जाता है। तो चलाने के ऊपर होता है, अगर गाड़ी आप प्यार से चलाओगे, ढंग से चलाओगे, तो सीएनजी कार यार 1.5 लाख-2 लाख किलोमीटर तक चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीएनजी जस्ट एक फ्यूल है। होता क्या है, जब आप सीएनजी लगवाते हो तो पेट्रोल के कंपैरिजन में आप क्या करो, थोड़ा सर्विस जल्दी करा लो, एयर फिल्टर थोड़ा जल्दी चेंज करा दो, थोड़ा अपने गाड़ी का देखभाल ज़्यादा करो इंजन का, थोड़ा अपना जो फ्रीक्वेंसी है सर्विसिंग ऑयल का वो थोड़ा बढ़ा दो, तो आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गाड़ी आपकी मस्त चलेगी। अच्छे से देखभाल करो, 1.5 लाख-2 लाख किलोमीटर तक दबा के चलाओ, कोई टेंशन नहीं आने वाली सीएनजी में भी। तो दोस्तों ये मैंने अभी जो डिस्कस किया है एक्चुअली कुछ मिथ हैं जो मार्केट में फैली हुई हैं, तो मैंने उनको क्लेरिफाई किया। अब बात करते हैं कि सीएनजी लगवाने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और आपको सीएनजी लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले सीएनजी लगवाने के नुकसान की बात हम कर लेते हैं, सीएनजी लगवाने पे हमें क्या क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहला नुकसान दोस्तों जो काफ़ी लोगों के माइंड में आता है, वो होता है कि जब भी आपकी गाड़ी अभी नई है, मान लीजिए आपने 6 महीने-1 साल भर पहले अपनी गाड़ी ली है, उसमें अगर आप सीएनजी इंस्टॉल कराते हो तो आपकी गाड़ी की वारंटी ख़त्म हो जाती है। मतलब आपकी गाड़ी के इंजन में या फिर और भी किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी उसको ठीक नहीं करेगी, आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आपकी गाड़ी 2 साल से या फिर जब भी, मतलब कि आपकी वारंटी अगर अभी है, बची हुई है, और आप सीएनजी लगवाते हो तो वारंटी ख़त्म हो जाती है। तो एक नुकसान है, एक रिस्क है जो आपको लेना पड़ता है अगर आपकी गाड़ी अभी नई है। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा नुकसान मैं बोलूँगा कि आपका जो बूट स्पेस है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी हैचबैक गाड़ी है फिर तो आपका बूट स्पेस ऑलमोस्ट 90% तक ख़त्म हो जाता है। अगर आपकी गाड़ी सेडान है या फिर कोई बड़ी यू नो एसयूवी है, कॉम्पैक्ट एसयूवी है, फिर तो आपके पास काफ़ी बूट स्पेस बच जाएगा। लेकिन अगर हैचबैक है, छोटी कार है, जैसे i10 है और टियागो है या फिर सेंट्रो है, इस तरह गाड़ी में अगर आप सीएनजी लगवाते हो तो आपका बूट ऑलमोस्ट पूरा ही ख़त्म हो जाता है। तो आपको लगेज कैसे रखना है वो आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, हो सकता है आपको सीट पे रखना पड़े या फिर कैसे भी करके आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बूट ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। सिलेंडर के ऊपर आप छोटे मोटे डफल बैग्स जो भी हल्के जो होते हैं वो भले आप रख दो, बाकी उस पर कुछ भारी सामान रखना रिकमेंडेड नहीं होता, तो आपको उसका थोड़ा टेंशन होता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक बड़ा ड्रॉबैक है, आपका बूट ख़त्म हो जाता है। तीसरा दोस्तों सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो लोग बोलते हैं वो है कि आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो देखिए परफॉर्मेंस इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने सीएनजी लगवाई कहाँ से है, आपने जिस टेक्नीशियन से सीएनजी लगवाई है वो कितने ज़्यादा टेक्निकली साउंड था। अगर आपका जो टेक्नीशियन है जिससे आपने सीएनजी लगवाई है उसने आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग अच्छे से की है, तो यकीन मानिए जो परफॉर्मेंस होता है उसमें आपका हार्डली 10% ही ड्रॉप आता है, ज़्यादा ड्रॉप नहीं आता है। लेकिन अगर उसने आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग ढंग से नहीं की है, उसका ईसीयू उसको सेट नहीं किया है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अगर आप कहीं सीएनजी लगवा रहे हैं अपने गाड़ी में, कहीं से भी लगवा रहे हैं, कहीं भी सिटी में आप हो, तो आप अपने एरिया के सबसे बेस्ट इंस्टॉलर को पहले फाइंड आउट करो, उसके रिव्यूज़ देखो, जिसने उससे अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवाई है, काफ़ी टाइम से चला रहा है, उससे जाके मिलो, बात करो,
टेक्नीसियन बहुत अच्छा होना चाहिए, ये बात बिल्कुल आप नोट कर लो, बोल्ड में अंडरलाइन करके बता रहा हूँ कि टेक्नीसियन अच्छा होना चाहिए। अगर आप सीएनजी लगवा रहे हो तो आपकी कौन सी ब्रांड लगवा रहे हो, कौन सी किट लगवा रहे हो, इस सब इतना मैटर नहीं करता, जितना मैटर करता है टेक्नीसियन आपका कैसा है, क्योंकि इसमें सारा खेल होता है ट्यूनिंग का और इंस्टॉलेशन का। इंस्टॉलेशन अगर अच्छी की है तो उसमें कोई शॉर्ट सर्किट इस सब का पंगा नहीं होता है, तो आपकी गाड़ी में आग लगने कोई चांस नहीं रहेंगे, लीकेज कोई चांस नहीं रहेंगे। और अगर ईसीयू की आपकी ट्यूनिंग अच्छी से हुई है तो आपकी गाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, पिकअप उसका अच्छा आएगा, माइलेज अच्छा आएगा, गाड़ी मिसिंग नहीं करेगी, झटके नहीं मारेगी और गाड़ी आपकी बढ़िया चलेगी। तो दोस्तों अगर आप सीएनजी कहीं से लगवा रहे हो, कहीं से भी लगवा रहे हो, तो मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इंस्टॉलर अच्छा होना चाहिए, वो आप ढंग का इंस्टॉलर ढूंढ लेना तो आपको कोई दिक्कत डेफिनेटली नहीं आने वाली है। इसके बाद अगर दोस्तों नेक्स्ट माइनस पॉइंट की मैं बात करूँ तो खैर माइनस पॉइंट तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है आपके सीएनजी लगवाते समय। रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं पिछले साल से, अभी तक करीब रेट 10,000 तक बढ़ गए हैं, जो पहले सीएनजी किट्स हमारी 30,000 से 35,000 में आती थी, आज के टाइम पे वो 45,000, 46,000, 48,000 तक आ रही हैं, मतलब 10,000 से 12,000 रुपये सीएनजी के रेट बढ़ गए हैं। मतलब अगर आप सीएनजी लगवाने जा रहे हो तो आपको लगभग 50,000 रुपी लमसम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है वन टाइम। हालांकि पैसे आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हो, लेकिन आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। इसके बाद एक छोटा सा ड्रॉबैक मैं और आपको बताना चाहूँगा कि आप जब सीएनजी का सिलेंडर अपने पीछे आप रखते हो तो सस्पेंशन आपका थोड़ा सा दब जाता है, लेकिन उसका भी सलूशन है। आजकल गुटके आते हैं जो आपके सॉकर के नीचे लग जाते हैं, उसमें फिट हो जाते हैं, तो आपकी गाड़ी की हाइट वापस बैक टू नॉर्मल हो जाती है, तो उससे भी आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों इन सब बातें के नुकसान के, फायदे की बात करें तो यार फायदा इसका इतना बड़ा है कि सारे छोटे छोटे जो ड्रॉबैक्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, सामने ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि जब आप सीएनजी दोस्तों लगवाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा पड़ती है इकोनॉमिकल, आपके पैसे बचाती है, बहुत सारा पैसा आपके लिए सीएनजी बचाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हो जिसका माइलेज सिटी में अगर उसका 12 का माइलेज आ रहा है, 13 का माइलेज आ रहा है, जब उसमें आप सीएनजी इंस्टॉल कराते हो तो उसका माइलेज 50% से 70% इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर सिटी में आपका माइलेज मान लीजिए अगर 14 का दे रही है तो फिर सिटी में देने लगेगी कम से कम 21 से 23 का, 21 to 23 किलोमीटर का माइलेज देना स्टार्ट कर देगी सीएनजी पे। 50% to 70% का माइलेज बढ़ जाता है सीएनजी लगवाने के बाद। हाईवे पे भी आपका सेम अप्लाई होता है, अगर आपकी गाड़ी 18 का माइलेज दे रही हो तो सीएनजी लगवाने के बाद हाईवे पे आपकी वो 26 से 30 तक माइलेज आराम से निकालेगी। तो दोस्तों ये होता है फ़र्क सीएनजी लगवाने पे, एक तो आपका माइलेज बढ़ गया 50% से 70%, दूसरा आपका जो सीएनजी का प्राइस है वो भी पेट्रोल के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। जैसे अभी करेंट 95 to 100 अप्रॉक्स पेट्रोल का प्राइस चल रहा है पर लीटर, और सीएनजी के जो रेट्स हैं वो 55 से लेकर 65-70 के बीच में रेंज कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि पेट्रोल की प्राइस और सीएनजी की प्राइस भी काफ़ी कम है, ऊपर से सीएनजी में आपकी गाड़ी का जो एवरेज है माइलेज है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपका जो ओवरऑल रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये मान के चलिए आप सीएनजी लगवाते हो तो लमसम आपका जो रनिंग कॉस्ट दोस्तों आता है वो आता है 2.5 से 3 रुपये पर किलोमीटर, जो आज के टाइम पे सीएनजी का रेट चल रहा है। हो सकता है अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग सीएनजी का रेट है, लेकिन मैं गाजियाबाद में रहता हूँ तो यहाँ पे 58 point something अभी चल रहा है, तो यहाँ पे जो रनिंग कॉस्ट आता है वो करीब करीब 2.5 से 3 रुपये किलोमीटर आता है सिटी हाईवे सब मिला के। अब दोस्तों अगर आपका 2.5 से 3 रुपये किलोमीटर खर्चा आ रहा है सीएनजी पे और आप जब पेट्रोल पे चलाते हो तो आपको करीब करीब खर्चा आता है वहाँ पे 8 रुपये किलोमीटर सिटी में, तो आप ये मान के चलो आप करीब करीब 5 रुपये किलोमीटर से भी ज़्यादा, 5 रुपये पर किलोमीटर से भी ज़्यादा आप सेव करते हो। मतलब अगर आपकी महीने की जो रन है वो आपका मान लीजिए 1500 किलोमीटर होता है, आप पर डे 50 किलोमीटर अगर आप चलते हो, महीने में आप 1500 किलोमीटर चलते हो, तो एक ही महीने में दोस्तों आप 7,500 रुपये बचा लेते हो, 7,500 रुपीज़। तो आप एक महीने में 7,500 बचाते हो, एक साल के अंत तक जाते जाते आप लगभग 90,000 रुपीज़ तक आप सेव कर लेते हो, और गाड़ी आप 7 साल चलाते हो तो आप 6,20,000, 6,30,000 रुपये तक आपकी सेविंग हो जाती है। मतलब जितना आपकी गाड़ी डिप्रिसिएट हो रही है उतना आप फ्यूल पे सेव कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा फायदे का सौदा होता है, बहुत सारी बचत होती है इससे। दोस्तों जो दूसरा फायदा है वो है सीएनजी एक ग्रीन फ्यूल है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो इससे बहुत कम पोल्यूशन होता है, ना के बराबर आप मान के चलो, इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है सीएनजी लगवाना।
तो दोस्तों, अगर अब कंक्लूजन पे आएं तो मेरा मानना यही है कि अगर आप सीएनजी लगवाना चाहते हो तो आप सीएनजी लगवा सकते हो। हाँ, अगर आपकी गाड़ी भी 2 साल से कम पुरानी है तो आपकी वारंटी वाइड हो जाती है, तो वो रिस्क आप मतलब देख लीजिए, आपको लेना है नहीं लेना है, उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आपकी गाड़ी 2 साल से ज़्यादा पुरानी है और आपकी गाड़ी BS4 है, क्योंकि BS6 के अप्रूवल्स अभी नहीं आए हैं काफ़ी जगहों पर, तो BS6 के अप्रूवल जहाँ पे नहीं आए हैं वहाँ पे अगर आप CNG लगवाने की कोशिश करोगे तो CNG लग तो जाएगी लेकिन वो RC पे इंडोर्स नहीं होगी, तो आप एक चीज़ पहले चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास BS4 गाड़ी है और वो 2 साल से ज़्यादा पुरानी है, 3 साल ज़्यादा पुरानी है, और आप उसको आराम से RTO पे चढ़ा सकते हो, आपकी वारंटी वगैरह भी पहले से ख़त्म हो चुकी है, तो आप बिंदास CNG लगवा सकते हो। मेरी तरफ से तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप बिल्कुल लगवा सकते हो यार, आप पैसे बचाओगे, इन्वायरमेंट को सेव करोगे, और क्या चाहिए। कोई भी वैसा कुछ परफॉर्मेंस वगैरह डाउन नहीं होता है, 10% 15% का माइनर सा आपका इनिशियल जो पिकअप होता है उसमें आपको थोड़ा बहुत लैग कभी कभार देखने को मिल सकता है, लेकिन जब आप इतने पैसे बचाते हो ना तो आपको वो सब चीज़ें पता नहीं चलती। वैसे भी कुछ टाइम में आप हैबिचुअल हो जाते हो उस चीज़ को लेकर के, फिर आपकी आदत पड़ जाती है, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा आप CNG भी चला रहे हो, पेट्रोल भी चला रहे हो। तो बहुत सारा पैसा बचता है, मिस अपने मन से निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए। अगर आप लगवाना चाहते हैं तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं आपको लगवाना है कि नहीं लगवाना है। आपको मैंने प्लस भी बता दिया, माइनस बता दिया। मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं आपकी जगह पे होता, मेरे पास कोई गाड़ी होती, मुझे पैसे बचाना होता और मुझे अगर वारंटी का पंगा नहीं है, BS6 का पंगा नहीं है, तो मैं तो जरूर लगवा लेता यार, पैसे बचेंगे, इन्वायरमेंट सेफ रहेगा, क्या टेंशन है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ एंड कर लेते हैं आज का वीडियो। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी आ गई होगी। अगर आपको CNG लगवाना है तो आप लगवाना है कि नहीं लगवाना है, डिसीजन आप आसानी से ले पाओगे। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी है CNG से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। जल्दी मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।